अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ओरियो शेक। बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का बनता है और बहुत सिंपल इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलें, इसमें जो चीजें चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने अबाउट 1 कप ऑफ फुल फैट मिल्क, फुल क्रीम मिल्क जो चाहें वो ले लें, और साथ में अबाउट 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है, और ओरियो बिस्किट मैंने लिया है 5 मैंने ले लिया है। इस तरीके से इजली अवेलेबल होता है ओरियो बिस्किट। और यहाँ पे आइस क्यूब जा रही है 4 to 5। चॉकलेट सिरप ले लें या मेल्टेड चॉकलेट ले लें अबाउट 1 टेबल स्पून और 2। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें ऐड करते हैं मिल्क। इस तरीके ओरियो डाल दिया मैंने, साथ में शुगर जाएगा इसमें, साथ ही इसमें आइस ऐड करेंगे एंड चॉकलेट चॉकलेट जाएगा। तरीके से अच्छे से ग्राइंड, और फिर ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये ये देखिए हमारा हमारा ये हो चुका है ग्राइंड, और साथ ही इसके कप को भी मैंने रेडी कर रखा है अंदर में चॉकलेट सिरप लगा करके, और इसको फ्रीजर में मैंने डाल दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और इसमें हम लोग इसे करते हैं ट्रांसफर इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों ने ये थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर से इस तरीके से हम लोग इस पे कचंग्स कर लिया है ओरियो का, सॉरी। इस तरीके से इसे डालते हैं ऊपर में, क्योंकि गार्निशिंग से इसकी खूबसूरती बढ़ती है। इस तरीके से इसे डाल देते हैं और दिखने में भी बड़ा मजेदार लगता है। चलें, इस तरीके से ये हमारा शेक होता है रेडी। देखिए इस तरीके से मैंने इसे गार्निश किया है, बहुत जबरदस्त है। जरूर इसे ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दोबारा से और भी लजीज रेसिपीज के साथ मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।